बस हमको वो मना की थी कि मतलब जस्ट मत जाओ, इतना बस बोली क्यों थी। लड़की मेरे साथ रहती थी, फिर बाहर उधर काम करती थी। क्या काम करते थे? घर में काम करती थी, बच्चे देखना, बच्चे देखना। पति के चर्च जाने से नाराज पत्नी ने फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या। दरअसल बंदगांव थाना क्षेत्र की टेबो की रहने वाली महिमा हंस, जिसका कि सिमडेगा जिले के बानो थाना क्षेत्र के टोनिया गांव निवासी, सुरेश प्रधान से प्रेम प्रसंग था और दोनों ही खूंटी थाना क्षेत्र के डाउगुटू में पिछले लगभग 4 वर्षों से एक किराए के मकान में रह रहा था। वही लिव इन में रहते हुए महिमा हंस किसी दूसरे व्यक्ति के घर में काम करती थी, जबकि सुरेश प्रधान बिरसा कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था। इसी क्रम में शनिवार को दोनों चर्च जाने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन महिमा हंस ने किसी बात को लेकर चर्च जाने से मना कर दी और सुरेश प्रधान को भी चर्च जाने से रोका था, लेकिन सुरेश प्रधान ने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया और वो चर्च चला गया। इसी क्रम में शनिवार को ही महिमा हंस ने सुरेश प्रधान के चर्च जाने से नाराज होकर अपने किराए के मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कल सुबह मतलब कल सैटरडे था, सैटरडे को चार्ज जाने का प्लान था हम लोग का, तो फिर फ्राइडे शाम को ही डिसाइड होकर चार्ज जाएंगे। फिर कल सुबह हुआ तो सुबह और उसका मन बदल गया, हम चार्ज नहीं जाएंगे। तो हम बोले कि चलो तुम्हारी दोस्त तो भी रहेगी, चार्ज जान जाएगी तुम भी, हम अकेले नहीं, हम अकेले जाएंगे तो चलेगा, पर तुमको भी जाना होगा। चलो बोले हम, फिर सीधा सीधे मना कर दिए, जाने नहीं खुदे चार्ज। फिर हम बोले कि ठीक है रहना, हम 4 बजे तक हम करते हैं, बोले एकदम जितना जल्दी हो सके उतना खत्म कर जाते हैं चार्ज। वहाँ प्रोग्राम था चार्ज में, तो गए हम, फिर गए, फिर वहाँ प्रोग्राम रूम किए, आए तब तो फिर खोले दरवाज़ा टूटो का है, मतलब बाहर का गेट खुला था, अंदर का दरवाज़ा खटखटाया, कोई खुला नहीं, कोई आवाज़ नहीं आ रहा, ना मोबाइल का आवाज़ आ रहा, ना कुछ आवाज़ आ रहा है। तो हमारे लात खोल के देख रहे तो लटका हुआ ऊपर, लटका हुआ, फिर हम उतारे पूरा, चिल्ला रहे इधर उधर, उसे लेडीज आ रही थी, देखे लेडीज चिल्ला रही इधर भी, इधर आइए, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ऊपर परेशान। लड़ाई झगड़ा हुआ था क्या? लड़ाई झगड़ा वैसे कुछ नहीं हुआ था, बस हमको वो मना की थी कि मतलब जस्ट मत जाओ, इतना बस बोले। क्यों? क्रिश्चियन नहीं थी? क्रिश्चियन नहीं थी, हम हिंदू थे, क्रिश्चियन थी, हम हिंदू थे, तो हम बस बोले कि जस्ट मत जाओ आज, बस बोले। तो हम बोल देते पहले डिसाइड हो गया था चार जाएंगे, आज प्रोग्राम कम है थोड़ा सा, फ्रेंड्स वेंड्स को भी आएगा, तो हम बोले कि हम जाके आते हैं, दुकान जाके आते हैं, तुम नहीं जाके तो रहना नहीं, ऐसे बोले हम। इसकी तुम्हारा घर कहाँ हुआ? सर घर हुआ टोनिया, टोनिया टोनिया ही हुआ, पाना थाना पड़ता है। अच्छा, यहाँ खूंटी में कहाँ रहते? खूंटी में, यहाँ दागुटे में रहते हैं। क्या करते हैं? अभी तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। लड़की क्या करती थी? लड़की मेरे साथ रहती थी, फिर बाहर उधर काम करती थी। क्या काम करते थे? घर में काम करती थी, बच्चे देखना, बच्चे देखना। कितने दिन से खूंटी में रहना था? हम अभी कम से कम 4-5 साल हो गए हमको। शादी मतलब शादी किया था ना कि ऐसे रह रहा था? नहीं बुलाया था शादी, कहाँ लड़की का मैं का घर कहाँ था? मैके यहाँ टेबो, टेबो फोन वो लोग आ रहा है तभी बताया हो उसको। हाँ कल ने उसको कॉन्टेक्ट किए हैं, कल ने शाम कॉन्टेक्ट किए हैं, अभी तक आ रहे हैं, आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ आए थे। क्या नाम था लड़की? महिमा हंस। तुम्हारा क्या नाम जी? तुम्हारा क्या नाम? अरे सुरेश का नाम। पुलिस को कौन बताया था? पुलिस को फिर हम जैसे देखे तो ऊपर भीड़ हो गया, फिर रेंट मालिक को पता चला, रेंट मालिक कॉल के पुलिस को फिर आए, फिर जाँच पड़ताल किए, पूछताछ किए, फिर रिपोर्ट वोट लिखा। हालांकि इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इस घटना की जानकारी खूंटी थाना को दी, जिसके बाद खूंटी थाना के पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच करते हुए सब को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल खूंटी भेज दिया, जहां से कि पोस्टमार्टम कराकर सब उनके परिजनों को फिर से सौंप दिया गया। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द झार न्यूज़।